दोस्तों आज ये पंखा चलता हुआ पंखा पंखा चला के दिखाओ पहले ये, और इस पंखे की स्पीड जो बहुत कम हो रही है और जिसकी वजह से इसकी हवा नहीं आ पा रही है, इसलिए इस पंखे को हम इसका कंडेंसर चेंज करने वाले हैं। इसका कंडेंसर चेंज करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो अलग है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके नीचे इसका कैपेसिटर यानी कंडेंसर छिपा हुआ, तो मैंने इसको पेच खोल दिए हैं और ये इस तरह से नीचे को आ जाएगा। और इसमें जो ये दे रखा है ना, ये हम सोचते हैं ये कंडेंसर है, लेकिन ये कंडेंसर नहीं है। इसका कंडेंसर इसका जो देख रखा है ना, यहाँ से जूम करके दिखाओ, इसका कंडेंसर यहाँ पर है, ठीक है जी। जो है इसके ये दे रखी है इसको ऑपरेट करने के लिए, और साथ ही इसके अंदर वो जो है क्या कहते हैं कॉइल जो है उसको ऑपरेट करने के लिए दे रखा है इसमें सिस्टम। सबसे पहले इस चीज को अलग कर लेते हैं टेस्टर से, जब तक नहीं होगी तो हमारी दिक्कत है इसमें, हम लगा नहीं पाएंगे। इसको अलग कर लेते हैं पहले, के ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को खोल कर और इसको खोल कर हमने इसको अलग कर लिया है। ये चार बल्ब हैं इसमें जलते हैं, इसको अलग कर लिया और इस चैन से हम इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं। और जो दे रखी है ना इसमें रिले, ये रिले ऑपरेट होती है, इससे ये ऑन ऑफ होता है। इसे नीचे रख देते हैं, अब देखते हैं ये ई क्लैप दे रखा है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। इसका कैपेसिटर जो दे रखा है ना दोस्तों, इसका जो कैपेसिटर दे रखा है ये दे रखा है, और इस कैपेसिटर को खोलने के लिए एक पेच भी दे रखा है। इस पेच को हम खोलते हैं पहले, अंदर से देखो ये पेच है यहाँ पर, और इस पेच को खोलने के लिए हम यहाँ खोलते हैं। ये कैपेसिटर निकल आया है, और इस कैपेसिटर को हम निकालते हैं और यहाँ देखते हैं। ये कैपेसिटर दे रखा है 2.25 MFD का दे रखा है, ठीक है 2.25 का दे रखा है, लेकिन इसमें जो हम लगाने वाले हैं इसमें हम 2.5 का लगाने वाले हैं, क्योंकि 2.25 का हमें मिलेगा नहीं कहीं से, इसलिए इसमें 2.5 का लगाएंगे। चलिए इसको चेंज करते हैं, नया कैपेसिटर हम लेकर आए हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे, कंपनी का है और ये 3.15 का आ गया गलती से। अब इसको हम 2.50 का लेकर आएंगे, लेगा 2.50 का, 2.50 के तो आए 3.15 दोस्तों, वो जो है गलती से आ गया था, इसलिए हम चेंज करके लेकर आए दुकान से 2.5 MFD का लेकर आए, और जो कि इसमें लग रहा है 2.25 MFD का, इसको चेंज करने वाले हैं। इसको चेंज करने के लिए इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग कर लेते हैं पहले हम, ठीक है इसके पिन को अलग कर लेते हैं। इस तरह से उसको दबाएंगे, इसकी पिन को अलग कर लिया हमने, ठीक है इसकी पिन को अलग करने के बाद हम इसको अलग कर लिया हमने इसको। अब इस एक वायर को हम इसमें जोड़ देते हैं, फिर इसके दूसरे वायर को जोड़ेंगे। इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, अब इसके दूसरे वायर को कनेक्ट करेंगे हम। इसके लिए हम इसको पूरा नहीं हटाएंगे, इसके लिए हम इसको यहीं से कट कर देते हैं, क्योंकि उसकी पूरी पिन खोलनी पड़ेगी, और यहीं से हम इसको टेप कर देंगे, ठीक है इसको हम यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम टेपिंग करेंगे, आ या नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको, इसका हमने चेक कर दिया है पूरा कंप्लीट। अब इसको हम चला के देख लेते हैं किस तरह से सही चल रहा है, या स्पीड में थोड़ा चेंज आता है नहीं आता है। और अब ये पंखा की स्पीड पहले से बहुत तेज हो चुकी है, बहुत हवा दे रहा है पहले से, क्यों फील कर रहा है थोड़ा सा हवा ज़्यादा दे रहा है, अच्छा लग रहा है इसमें। अब इसका हम पूरा कनेक्ट कर लेते हैं, मोटा यार ये, थोड़ा सा
आने में दिक्कत कर रहा है। सबसे पहले इसमें नट लगा देते हैं और इस पर लगाना थोड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि ये है बहुत ही एडजस्टेड जगह और ये ऊपर आ गया है और इसका जो ये नट है ये नट हम इसके ऊपर लगाएंगे। इससे पहले हम इसका झूमर फिट कर देते हैं। झूमर फिट करने से पहले इसके झूमर को थोड़ा साफ करेंगे क्योंकि इसका झूमर बहुत गंदा हो रहा है। इसको साफ कर देते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं फिर साफ करते हैं। थोड़ा नया नजर आएगा ये। इस तरह के पंखे जो होते हैं चार पर वाले बहुत ही कम लोग लगवाते हैं। एक्चुअली क्या है, इसको लगवाने के लिए थोड़ा स्पेस और थोड़ा जेब भी ढीली करनी पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पंखे आते हैं। और आप जानना चाह रहे होंगे ये पंखा किस कंपनी का है, तो हम आपको बता दें इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है और पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये जो पंखा है ये ऊषा कंपनी का पंखा है और 2 साल की गारंटी में था और इसकी गारंटी अब तो निकल चुकी है क्योंकि इस पंखे पूरे 6 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये साफ कर दिया हमने सही तरीके से एडजस्टमेंट। फिलहाल इसका रेड वायर रेड में लगाएंगे और ब्लैक वाला ब्लैक में लगाएंगे। और इसका रेड वाला वायर तो ये रहा, इसके नेट को थोड़ा ढीला किया हमने और इसका वायर तो यहाँ कनेक्ट हो चुका है, इसके स्क्रू को थोड़ा टाइट करेंगे। टाइट और फिर हम इसको काम हमारे यहाँ का फिनिश हो जाएगा। थोड़ा लूज और करते हैं, कनेक्ट कर दिए। इसके बाद इसका यो है डिवाइस, इसको कर देते हैं इसके अंदर और इसके सारे वायर को भी अंदर कर देते हैं और फिर हमारा ये सेटअप बैठते हैं जहाँ इसके स्क्रू आ रहेंगे वहाँ सामने कर देंगे। और इसके बाद हम एक एक करके इसके जो पेच हैं वो कसने वाले हैं और इसका पेच कसना थोड़ा आसान नहीं होता है। एक तो कस दिया, तीनों साइड में दे रखे हैं इसके। सारे स्क्रू कस दिए हैं, पंखा भी ग्रिलिंग कर दिया है लेकिन फिर भी ये सुंदर नहीं दिख रहा क्योंकि इसके जो मेन पार्ट है, इसके जो पर हैं बहुत गंदे हो चुके हैं। देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। तो अपने पंखे को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, चमकाने की कोशिश कर रहे हैं पूर्ण प्रयत्न। ओहो बहुत ही ज्यादा गंदगी, ये मेरे मुंह पहुंचने का रुमाल गंदा हो गया भैया, कितनी गंदगी। सारे लोग बाग हमारे घर में छोड़ जा रहे हैं धूल गंदे। हाँ कहाँ से आ गया बताना भैया, पूरा नया कपड़ा सब गंदा। अरे भैया पंखा साफ करते हुए मुझे कमी फिर नजर आ रही है, उस कमी को मैं भी सुधारूंगा। इसकी ये पर है ना, ये हिल रहा है, इसके पेच थोड़ा ढीला हो गया, इसके दोनों पेच में कसने पड़ेंगे। ये टाइट है, ये भी टाइट है, ये ढीला था देखो और ये भी ढीला था। एक तो फायदा हमें ये मिला ही कि
कि हमने चेक कर लिया कि हमारे पास डिले इसकी वजह थोड़ा बहुत साउंड कर रहे होंगे, लेकिन अब साउंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए इसको ऑन करके देखते हैं आप। पंखा साइलेंटली तो चल ही रहा है और स्पीड देखें बहुत लाजवाब है, और साथ ही में इसकी बीच वाली जो है इसको खींच के देखता हूँ कि मेरा बल्ब जल रहा है, बल्ब भी जल रहा है, सारा काम प्रॉपर तरीके से हो गया है जैसा हम चाहते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के पंखे में कैपेसिटर कहाँ लगा होता है। एक्चुअली क्या कोई भी नया व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा कि इसमें कैपेसिटर कहाँ होगा, पंखा पूरा खोलना तो नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे जो झूमर दे रखा है उसी पार्ट में कैपेसिटर छिपा था, इसलिए हमने बहुत आसानी से इसको निकाल के और इसको साफ करके लगाया। और इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि हमारा पंखा ज़्यादा टाइम का हो जाता तो कहीं ना कहीं इसके जो पर हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं, उसको भी हमने टाइट कर लिया। एक्चुअली क्या कुछ प्रॉब्लम्स हमें प्रैक्टिकल के थ्रू पता चलती हैं, तो प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन किया, पंखा साइलेंटली चल रहा है, बहुत माइनर सी आवाज़ तो आती आती है। उम्मीद करते हैं कुछ तो आपको नॉलेज मिली होगी, नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।